बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। भले ही प्रशासनिक अधिकारी बारिश से निपटने के तमाम दावे करते हैं, लेकिन बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है, जिसका नतीजा है काशीपुर में मुख्य चौराहे पर बने गहरे गड्ढे में बरसात का पानी भर जाने से वहां ई रिक्शा लगातार पलट रहे हैं। यही नहीं, शॉर्ट सर्किट होने से एक ई रिक्शा में आग भी लग गई, जिस पर लोगों ने बामुश्किल काबू पाया। बता दें कि बरसात से पूर्व स्थानीय अधिकारियों ने बारिश से निपटने के लिए लगातार मीटिंग कर तमाम वादे किए थे, लेकिन देर रात से लगातार पड़ रही बारिश में स्थानीय प्रशासन की पोल खुलकर रख दी है। काशीपुर में बारिश से जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। यही नहीं, महाराणा प्रताप चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के चलते सड़कों में गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिन पर ना ही SDM की नज़र पड़ती है और ना ही NHAI विभाग इसका संज्ञान लेता है, जिसका नतीजा है कि बरसात के गहरे गड्ढों में जलभराव हो गया है, जिसके चलते सड़कों से गुजर रहे ई रिक्शा सवारियों के साथ लगातार पानी में पलट रहे हैं। वहीं मौके पर खड़ी यातायात पुलिस मूक दर्शक बनकर ई रिक्शा की पलटता देख रही है, जिसका नतीजा है कि वहां खड़े लोग पलटने वाले ई रिक्शा की मदद कर रहे हैं। जब इस मामले में नगर निगम की मेयर उषा चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी गड्ढों की मरम्मत के लिए NHAI विभाग के साथ स्थानीय विभागों ने मीटिंग की थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने बताया कि मीडिया द्वारा वृक्षों के पलटने का मामला संज्ञान में लाया गया, जिसके चलते कोई व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। बारिश हो रही थी, पानी भरा था, इसमें कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आज तक कोई हमें पूछने नहीं आया कि आप कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है आपके साथ। हम इतना परेशान है बहुत ज़्यादा। अगर किस तरीके की लोगों को आवाजाही के लिए यहाँ पे कम से कम 8-10 रिक्शा पलट चुकी है सुबह तक, करी अब कोई सुनने वाला नहीं। रिक्शा में एक दो में आग भी लग गई थी, चोटें भी लगी औरतों को। हमने कई औरतों को यानी भाग के आया, उन्हें निकाला रिक्शे वाला, बस बहुत बुरा हाल चल रहा है बहुत ज़्यादा करी। जहाँ तक सवाल है चौराहे का, हम सभी जानते हैं कि चौराहे पे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, जो कि एक भविष्य की एक बहुत अच्छी योजना है, और इस योजना के तहत अभी 10 दिन पूर्व एक विधायक जी के माध्यम से मीटिंग ली गई थी, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया गया था और सबके समक्ष ये कहा गया था कि क्योंकि बरसात भी सर पर खड़ी हुई है, अतः इस बरसात को देखते हुए जो फ्लाईओवर का निर्माण कर रहे हैं वो इसको जल्दी से जल्दी अपना जो इधर उधर अव्यवस्थित जो सामान पड़ा हुआ है उसको वहाँ से उठाएं, जो लोहे जो सीमेंट के बड़े बड़े पैर उन्होंने निकाले हुए हैं उसको वहाँ से हटाएं। ये सब उनको चेतावनी दे दी गई थी, आज भी ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये वास्तव में बहुत शोचनीय विषय है, और जैसे कि मुझे अभी अवगत कराया कि वहाँ पर हमारे पुलिस विभाग के अनेकों लोग खड़े हुए हैं जो कि व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए खड़े होते हैं, उसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश गिर जाता है या कोई गाड़ी गिर जाती है तो वो सिर्फ अपनी पुलिस की वर्दी हमारी खराब ना हो, उसमें सिलवटें ना पड़े, इस कारण सिर्फ एक जगह कहीं सुरक्षा अपनी सुरक्षा को लेते हुए खड़े रहते हैं, जबकि आम जनमानस भी यहाँ से गुजर रहा है तो वो अपना कर्तव्य समझते हुए वहाँ से उस व्यक्ति की मदद कर रहा है। ऐसा मैं संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगी, क्योंकि वो NHAI का रास्ता है, वो नगर निगम का रास्ता नहीं है, लेकिन जनहित में यदि हमारे माध्यम से उसमें कुछ हो पाएगा तो हम उसको अवश्य करेंगे। मैं अभी फ़ोन के द्वारा अपने मुख्य नगर आयुक्त को सूचित कर देती हूँ कि तुरंत उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य जहाँ परेशानी उत्पन्न हो रही है वहाँ पर कुछ कराए या उसमें